आप आए हैं यहाँ पे देखने व्यवस्थाओं को? काउंटिंग मुजफ्फरनगर जो कुपड़ा मंडी में हो रही है, इसमें 6 विधानसभा की काउंटिंग हो रही है। मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र का 4 और 2 बिजनौर का। काउंटिंग के लिए पक्का व्यवस्था की गई है। काउंटिंग के हॉल के अंदर, काउंटिंग के जो एरिया में और काउंटिंग के बाहर भी, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर बाहर हो या अंदर अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, कोई कानूनी कार्रवाई में कोई कुताही ना करे, ये सख्त निर्देश दे दी गई। इसके अतिरिक्त काउंटिंग हॉल के अंदर जो भी काउंटिंग प्रोसेस को रोकने की या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करे हॉल में, उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और काउंटिंग हॉल के अंदर और जो पेरीमीटर है, जो अंदर कॉर्डन है, उसमें CAPF तैनात रहेगी। और कोई भी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर में किसी के हाथ में लेने, जो भी लेगा कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो प्रोसेस है काउंटिंग का, जो सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी गई है, सारी व्यवस्था जो ईसीआई गाइडलाइंस के अनुसार तैयार की गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। इसमें कुकड़ा मंडी के आसपास जितनी रोडें हैं उनको नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसकी ट्रैफिक एडवाइजरी भी प्रेस में जारी की जा चुकी है। किसी भी व्यक्ति को 100 मीटर के दायरे में जो भी गेट्स लगे हैं, बिना RO के आइडेंटिटी कार्ड्स के अनुमन्य नहीं होगा। मतदान अभिकर्ता गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे, जबकि कैंडिडेट, उनके इलेक्शन एजेंट्स और कर्मचारी गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे। किसी प्रकार का भी मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कैलकुलेटर मतगणना अभिकर्ता द्वारा अंदर नहीं लाया जा सकता है। इसमें हमने जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है, इसमें 2 कंपनी ITBP और 1 प्लाटून CRPF, ये हमारा CAPF कंपोनेंट है। हमारे पास 1 कंपनी और 2 प्लाटून PSC है। इसके अलावा 4 एडिशनल SP की निगरानी में तकरीबन 2300 की फोर्स यहाँ पर रहेगी। पूरे जनपद में भी हमने QRTs डिप्लॉय कर रखी कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी हम तत्काल उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सोशल मीडिया पर यदि किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है या इस प्रकार कोई बात करता है कि जो मतगणना में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, तो तत्काल उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।